Investments in securities market, especially futures and options, are subject to market risks. Please read all the related documents and consult your financial advisor before investing or trading. Options are highly leveraged instruments and carry substantial risk. Please do not blindly take trading decisions based on this video. नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। हितांशु बग्गा है मेरा नाम और स्वागत है आपका हमारी इस वीकली सीरीज में, जहां पे हम पिछले हफ्ते की चाल को समझते हुए आने वाले हफ्ते के प्राइस एक्शन को जज करने का प्रयत्न करेंगे और हम हमारे ट्रेड्स को कैसे डिप्लॉय और मैनेज कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। तो ये लास्ट वीक एक सरप्राइज पैक्ड एक्शन वीक था और ये देखिए कहां पे हम मंडे से कंसोलिडेट ही कर रहे थे। मंडे को 84 पॉइंट्स की मूव थी, ट्यूसडे को स्लाइट गैप अप के साथ हम 104 पॉइंट्स के साथ क्लोज हुए, फिर वेडनेसडे को वापस से नेगेटिव 122 पॉइंट्स की चाल थी और फिर थर्सडे को आया एक बड़ा सरप्राइज विच नोबडी एक्सपेक्टेड, 470 पॉइंट्स या ऑलमोस्ट 2% का स्पाइक आया और फिर वापस फ्राइडे को हम कंसोलिडेट ही करके बंद हुए। बैंक निफ्टी की चाल भी ना कुछ इसी प्रकार की थी, ऑन द सिमिलर नोट इन द बुलिश डायरेक्शन, और हम ऑन अ वीकली बेसिस निफ्टी में 2% और बैंक निफ्टी में 2.7% की पॉजिटिव क्लोज देके बंद हुए और इन दोनों ही इंडिसेस में एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न एग्जीक्यूट हो चुका है ऑन अ वीकली बेसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ट्रेडिंग चैनल्स है लॉन्ग टर्म के जो हम दिसंबर ऑनवर्ड्स फॉलो करते आ रहे हैं, उसमें बैंक निफ्टी ने एक बॉटम से रिवर्सल दिया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक निफ्टी की रैली में बैंक निफ्टी है ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, ये आप जानते ही है। तो अब अगर बैंक निफ्टी ने परफॉर्म करना चालू कर दिया तो निफ्टी को 26,000 तक कोई रोक नहीं सकता है और ये ना कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ 2.5% या 3% ही दूर है 26,000, जो एक या दो दिन में ही हो सकता है जैसे कि मूवमेंट आ रही है और जैसे प्राइस एक्शन नेक्स्ट वीक में भी है। अब मार्केट में ना कुछ ऐसी बुलिशनेस किसी हद तक एक्सपेक्टेड भी थी, जैसा कि मैंने लास्ट वीक की वीडियो में शेयर भी किया था आपके साथ कि वेडनेसडे को यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना था, वो आया एंड दैट वाज द मेन इवेंट ऑफ द लास्ट वीक और वो डेटा तो इन लाइन था एक्सपेक्टेशंस के, उसके इन लाइन ही आया है और अब मोस्ट सर्टेन हो चुका है कि यूएस फेड अपने नेक्स्ट मीटिंग में एक 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट करेगा ही। अब जो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे 50 बेसिस पॉइंट्स को फैक्टर कर रहे थे वो तो करना बंद कर दिया है और अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी 25 बेसिस पॉइंट्स की दो या तो फिर तीन रेट कट्स इस साल दिसंबर तक होने वाली है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा, हम ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स ने इस हफ्ते ऑलरेडी सेकेंड टाइम इंटरेस्ट रेट को कट कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट से और अब एक तड़कती हुई एक खबर भी आई है मार्केट में कि जापान के सेंट्रल बैंक से ये स्टेटमेंट आया है कि दिसंबर तक वो एक और बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकते हैं। तो हमारे मार्केट्स में लास्ट टाइम जैसे हमारे और ग्लोबल मार्केट्स में येन कैरी ट्रेड्स के वजह से जो बम फूटे थे वो वापस से एक झटका और लग सकता है इस साल में दिसंबर तक, सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और ये सब रेट्स कट करने के बाद दिसंबर तक हमारे आरबीआई की ओर से भी रेट कट्स होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। एक चीज का ध्यान रखेगा, नेक्स्ट वीक वेडनेसडे रात को जो है ना वो है इवेंट ऑफ द ईयर, जिसपे हम काफी बार चर्चा भी कर चुके हैं मेरे चैनल पे और हम इस पे थर्सडे को यानी निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन रिएक्ट करेंगे और वो है यूएस फेडरल रिजर्व की ऑल इम्पोर्टेंट मीटिंग, जहां पे मैंने जैसा कि आपको बताया फेड अपने फर्स्ट टाइम इंटरेस्ट रेट्स को कट करने का डिसीजन देगा और मेरे हिसाब से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ द ईयर और इसमें बहुत बड़ा एक इवेंट रिस्क भी है, बट क्योंकि यू नो इंडिया वीक्स में अभी तक कोई सिग्निफिकेंट अपटिक्स नहीं आए हैं, सो या तो मार्केट में हमारे मार्केट में ये सब प्राइसिंग हो चुका है विद द रिसेंट रैली, नहीं तो मंडे ऑनवर्ड्स वीक्स से हमें कुछ इंडिकेशंस मिल सकते हैं ऑन द अपसाइड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट। वैसे मैंने ना इस इवेंट को प्ले आउट करने के लिए कम्प्लीटली एग्जिट कर दिया है मार्केट से ऑन वेडनेसडे इटसेल्फ, क्योंकि वेडनेसडे को वो डेटा आना था, बिकॉज जैसा कि आप जानते हैं मैं रिस्क एवर्स ट्रेडर हूँ और मैं इवेंट्स को प्ले नहीं करता हूँ, तो अब तो मैं नेक्स्ट वीक मतलब 22 सितंबर ऑनवर्ड्स ही कुछ भी ट्रेड लगाऊंगा या मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगा,
इस पे हम और बाद में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं यूएस के प्राइस एक्शन पे। तो एज वी हैव डिस्कस्ड, यूएस के मार्केट्स भी एक बड़े इवेंट से पहले कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं। आपको डेली चार्ट पे बड़े मूवमेंट लगेंगे, बट मैं इसे कंसोलिडेशन ही बोलूंगा, क्योंकि ऑन द वीकली चार्ट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फ्रॉम 26th August ऑनवर्ड टिल नाउ ऑन अ क्लोजिंग बेसिस क्लोजिंग प्राइस इज ऑलमोस्ट द सेम। हाँ, लास्ट वीक में बड़ी डिप आई थी और इस वीक वो पूरी की पूरी डिप रिकवर हो चुकी है, बट इस प्रकार की वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड ही है बिफोर सच अ बिग इवेंट। और ये इवेंट खत्म होते ही, जैसा कि मैंने आपको मेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के वीडियो में भी डिस्कस किया था, मार्केट में एक बिग मूव की एक्सपेक्टेशन है, बट इसका ना डायरेक्शन इज वेरी अनसर्टेन। और ये मैं डायरेक्शन अनसर्टेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब ट्रेडर्स ने जो 50 बेसिस पॉइंट की रेट कट को फैक्टर इन किया था, अब उसको वो सब भूल गए हैं, बट वो अब ट्रेडर्स ये सुनना चाहते हैं कि इस 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट्स के बाद फेड अपनी अगली रेट कट्स की चाल पे क्या कॉमेंट्री देता है, और इस कॉमेंट्री पे मार्केट की डायरेक्शन डिसाइड होगी, स्पेशली बिकॉज वी आर ऑल नियर ऑल टाइम हाईज। अब आते हैं FII/DII बाय सेल डेटा के इंपॉर्टेंट फिगर्स पे। तो जैसा कि हमने मेरे लास्ट वीक में भी की वीडियो में भी डिस्कस किया था, FIIs have become net buyers by a huge margin, and थर्सडे के दिन जहां पे बड़ी प्राइस मूवमेंट आई थी, उस दिन FIIs ने सिंगल डे पे 7,500 करोड़ रुपीज की बाय करी है। एंड DIIs की चाल देखे तो दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड बुकिंग सम प्रॉफिट्स एट द ऑल टाइम हाईज, जो भी थोड़ा हेल्दी है हमारे मार्केट्स के लिए। ऑल इन ऑल FIIs have bought for approximately 15,200 crore rupees, which is a big figure, and DIIs have bought for approximately 2,500 crore rupees for this week. So this इसके हिसाब से हमारे मार्केट्स के सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितना स्टीम बचा हुआ है इन दिस एंटायर बाइंग स्प्री, और वो जो भी है वो इस वीक को तो उसका रिजल्ट आ ही जाएगा हमारे पास। निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालाइज करें तो मैक्सिमम OI ऑन द कॉल साइड इज एट 25,400 CE एंड मैक्सिमम OI ऑन द पुट साइड इज एट 25,200 PE। अब ये दोनों ही ना करंट प्राइसेस के बहुत करीब है और बहुत छोटी रेंज मिल रही है फ्रॉम द OI एनालिसिस। And Gift Nifty, as I told you before, is showing almost flat opening. तो मंडे को तो ओपनिंग पे इन राइटर्स को ज्यादा लॉस नहीं होगा, एंड वी विल हैव टू सी कि अगर इन स्ट्राइक्स पे एडिशनल राइटिंग हो रही है या अनवाइंडिंग हो रही है, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू के विक्स के ऊपर डिपेंड करेगा इफ द मार्केट विल फैक्टर इन दिस ह्यूज इवेंट विच इज देयर इन द नेक्स्ट वीक। दिस अनवाइंडिंग और एडिशन कुड डिटरमाइन द फर्दर स्विंग्स इन द मार्केट एटलीस्ट टिल वेडनेसडे। और थर्सडे को जैसा आई हैव सेड एक बहुत बड़ा मैक्रो ट्रिगर है, देयरफॉर उसके बाद क्या होएगा इज एनीबॉडीज गेस एंड वी हैव टू वेट एंड वॉच। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे 51,900 एंड 52,000 पे स्ट्रैडल सेल हुए हैं, एंड यहाँ पे भी 52,000 कॉल पे एंड 51,500 पुट पे मैक्सिमम हुआ है। सिमिलरली लाइक निफ्टी, यहाँ पे भी एक बहुत टाइट रेंज दिख रही है, और मैंने प्रीवियसली मेरे एक्सपीरियंस में ये नोटिस किया है कि जब इतनी टाइट रेंज होती है ना तो एक बड़ी मूव आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जो भी साइड चैलेंज होएगा उस साइड के ऑप्शन राइटर्स फंसेंगे और उसके वजह से एक ब्लास्ट मिल सकता है बिकॉज ऑफ देयर कवरिंग मूव्स। देयरफॉर माय स्ट्रेटजी दिस वीक इज नॉट टू ट्रेड, बिकॉज हम एक बड़े इवेंट के आगे खड़े हैं, और आप जैसा कि जानते हो आई डू नॉट लाइक टू ट्रेड इवेंट्स, इट्स वेरी अनसर्टेन। तो मैं तो कंप्लीटली कैश में ही बैठा हूं इन माय ऑप्शंस पोर्टफोलियो। हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन द कैश मार्केट है, उससे मैंने कुछ भी टच नहीं किया है, और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया, मैं नेक्स्ट वीक मतलब 22nd के बाद ही कुछ भी ट्रेड डिप्लॉय करूंगा, और वो भी फॉर दी अक्टूबर सीरीज, क्योंकि उसके बाद कुछ दिन ही नहीं बचेंगे। वैसे भी इस मंथ आई हैव ऑलरेडी बुक 3.5% प्रॉफिट ऑन माई इंटायर कैपिटल दिस मंथ, विच इज ह्यूज, एंड मेरा टारगेट ऑलरेडी अचीव हो गया है, देयरफॉर आई डोंट वांट टू टेक एनी अनड्यू रिस्क फॉर माई सेल्फ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई। प्लीज बी सेफ इन द मार्केट दिस वीक, स्पेशली बिफोर अ बिग इवेंट। हम मिलेंगे मेरी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय सियाराम।